गवर्नमेंट तेरे राज में, गवर्नमेंट तेरे राज में, गवर्नमेंट तेरे राज में, साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी, मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी। प्रदर्शन करा रहे। हाँ जी, अस उधमपुर दा रहे कुक न। सर साढ़ी इ'यै डिमांड है कि असें जेह्की तनखाह थ्होई जंदी ओह् साढ़े कम्मै स्हाबै नै बिल्कुल बी नेईं ऐ। असें जिस स्हाबै साढ़ा कम्म है उस स्हाबै नै असें तनखाह थ्होना चाहिदी सर। कदें 900 थ्होंदी आखदे यार, कदें इक म्हीना थ्होंदी, कदें दो म्हीने, तिन्न म्हीने, असेंगी कोई पता नेईं ऐ सर। एह् कि साढ़ा इ'यै कि अस कुक न, अस अगर रुट्टी शुट्टी बनाने सारें आस्तै असें ओह्दे अकार्डिंग जेह्की ऐ असें पे मिलना चाहिदी। अस एह् करना चाह्न्ने गौरमेंट कशा कि साढ़ी तनखाह जेह्की ऐ बढ़ाना चाहिदी, कि असें भी साढ़े कम्मै अकॉर्डिंग जेह्की ऐ सैलरी असें थ्होना चाहिदी। स्टार यूनियन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बंसीलाल शर्मा, आज हम जम्मू में आए हैं और उसके साथ जो इनका मसला था, हमने पिछले दिसंबर से जो भी है इन लोगों ने हमें बुलाया था, हमने ये कार्रवाई डनसार से की थी। उसके बाद हमने सीईओ को और जेडीओ साहब को भी फ़ोन किया, मगर उनसे हमारी बात जो है वो नहीं हो पाई है। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को जो भी है सुबह 10 से 4 बजे तक आना पड़ता है और 1000 रुपया पर मंथ जो है वो ये मतलब लोगों ने बताया हमें, मगर इसमें से 2 महीने का जो वेतन है वो इनको जो है वो नहीं देते हैं। जब हमने उनको ये बोला है कि उन्होंने ये बोला कि हमारा जो हिसाब इनका जो है वो हमने क्लियर करते हैं, मगर जो इन लोगों को 6-7 हज़ार रुपया ही साल का जो मिलता है, बाकी पैसा वो कहाँ जाता है। इसलिए आज हम सभी लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो भी है आए थे जम्मू पे, और आज जो भी हमने कार्रवाई जो है वो इधर शुरू की है। उसके साथ इन लोगों का जो मसला है कि इन लोगों ने कुछ ज़मीनें भी जो स्कूलों को दी है फ्री, आज तक इन लोगों को कोई भी नौकरी जो है वो नहीं रखा है, और बहुत सारा इन लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये कोई 35-40 लाख लोग जो है हमारी मजदूर दस्तकार यूनियन भी पूरी सपोर्ट जो है इन लोगों के साथ करेगी, और मैं तमाम जितने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के जो सीईओ हैं और जो तहसील के जेडीओ हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमारा जो कुक है स्कूलों में लगा है, इनका जो भी हिसाब है वो 31 मार्च तक क्लियर करें, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन होगा। तमाम कुक जो भी है ये पूरा परिवार लेकर स्कूलों में बैठ जाएंगे और इनका खाना पीना रहना जो भी है ये जेडीओ की जिम्मेवारी होगी। और उसके साथ हम आज जो ये प्रोग्राम है, एक तो लेटर जो है हर जिला के डीसी साहब को हम लेटर देंगे, उसके बाद हम डिवीजन कमिश्नर साहब को देंगे, और उसके बाद जो लेटर है हमारा गवर्नमेंट 2 एलजी साहब को भी देंगे, और एक जो लेटर है हम केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ जो हमारे मजदूर गरीब लोग हैं इनके साथ बहुत धोखा हो रहा है। अगर पीछे से पैसा आता है आगे क्यों नहीं पैसा दिया जाता है। इसलिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो है ये किया है।